गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 8 पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 प्लास्टिक प्रदूषण पढ़ा और इसके शब्दार्थ करे बेटे। आज हम इसका अभ्यास वाचन कौशल स्पीकिंग स्किल करेंगे। तो इसके दो अभ्यास हैं, कै और खै। कै अभ्यास, चलो आज हम अब करते हैं पहले क्या अभ्यास। क्या अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक कुछ रसायनों से निर्मित एक कृत्रिम पदार्थ है जिसका इस्तेमाल विश्व भर में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, रंजक का प्रयोग प्लास्टिक की थैलियां बनाने में क्यों किया जाता है। रंजक, ये डाई होता है। रंजक का प्रयोग प्लास्टिक की थैलियां बनाने में इसलिए किया जाता है ताकि उसे चमकीला रंग दिया जा सके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कैडमियम हमारे शरीर के लिए किस प्रकार हानिकारी है। कैडमियम हमारे शरीर में फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकती है, इस तरह ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, प्लास्टिक की थैलियां पशुओं के लिए किस तरह हानिकारी बन जाती हैं। आवारा पशु कूड़े कचरे में पड़े खाने पीने की चीज़ों को जब खाते हैं तब वे प्लास्टिक की थैलियां भी चबा जाते हैं। इन थैलियों से कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह प्लास्टिक की थैलियां पशुओं के लिए हानिकारी बन जाती हैं। तो बच्चों, अब हमारा अभ्यास क्या स्पीकिंग स्किल का ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे अभ्यास क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में बताइए। पहला प्रश्न है, प्लास्टिक से बनी किस वस्तु का प्रयोग सर्वाधिक होता है। प्लास्टिक से बनी थैलियों का प्रयोग सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होता है। नाउ सेकंड, दो ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहां प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध मतलब रोक लगी हुई है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर कब पाबंदी लगाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2009 को प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई। नाउ फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट, प्लास्टिक की थैलियों का विकल्प किसे बनाया जाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का विकल्प जूट और कपड़े की थैलियों को बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, हमारा स्पीकिंग स्किल अभ्यास ख़त्म हुआ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में, रीडर की अभ्यास पुस्तिका में लिखना और याद करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।